सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पंजाब में इक्तदार की खींचातानी और इंतखाबी दंगल के बाद इन दोनों हम्टी डम्टी की बड़ी धूम है, लेकिन ये हम्टी डम्टी है कौन? लोग इस बारे में क्या बात कर रहे हैं? इस हवाले से हमने लोगों से बात की है, आवाम क्या कह रहे हैं, कौन है हम्टी डम्टी, आपको सुनवाते हैं। मुझे भी सुनवा। हमजा शहबाज, क्योंकि उसके लिए भी किंग और क्वीन ने बहुत कोशिश की थी उसे लाने के लिए, बट हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। सासी हम्टी डम्टी तो आपको ही पता है, मुझे भी पता है, लेकिन कहते हैं ना हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। तो उनके पापा ने बहुत कोशिश की लेकिन हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। हमजा शहबाज ऑफ कोर्स, शहबाज को किंग और क्वीन ने लाने की बहुत कोशिश कर ली है, बट एज यूजुअल हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। हमजा शहबाज इज पॉलिटिकल हम्टी डम्टी। इसके लिए भी जो है इसके अब्बू जान ने भरपूर कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से नाजायज हल्फ उठवा के नाजायज तरीके इस्तेमाल करते हुए कब्जा कर लिया जाए पंजाब की गवर्नमेंट पे, और ये जो हम्टी डम्टी है ये फिर दोबारा से फॉल कर गया। सियासी हम्टी डम्टी जो है ना हमजा शहबाज है। oh, no. उनके वालदैन ने भी कोशिश की कि इसको हम बादशाह बना दें, मगर वो बार बार ही गिरता रहा। क्वीन और किंग ने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली उनको लाने के लिए, लेकिन एज यू नो हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट। सियासी हम्टी डम्टी तो हमजा है। oh, no. क्योंकि उनके जो बड़े में वो भी हम्टी डम्टी थे, इन्होंने बड़ी कोशिश की है सियासत में आने की लेकिन ये फिर भी गिर जाते थे आते साथ। Humpty Dumpty sat on a wall eating sugar, had a great fall. All the king's horses and all the king's men could not put him back together again. Jamshed Iqbal Cheema hamare saath maujood hain, PTI ke rehnuma. Cheema sahab, ye bataiye, all the king's horses and all the king's men, ab kya aap samajhte hain Humpty Dumpty ke liye? Dumpty ke liye to kaha jata hai na ki sare badshah ke horses bhi aur unke bande bhi wapas usko sahi nahi kar sake, lekin kya Hamza Shahbaz sahi ho jayenge wapas aapki nazar mein? देखें, बेसिकली तो अनफॉर्चुनेटली ये बड़े ही करप्ट और नकम्मे हमारे पास सियासतदान थे, और उनके आगे बिगड़े हुए बच्चे, तो उन बिगड़े हुए बच्चों में से एक हमजा है। मेकअप करके आता है, नालायक है, बात करना नहीं आती, गुरूर बेतहाशा। तो उसको खड़ा करने के लिए आप कह रहे हैं एक पुराने अबू थे शहबाज शरीफ, फिर बड़े अबू थे नवाज शरीफ, फिर नए अबू आए, क्या नाम है ये हमजा, क्या नाम है जरदारी साहब, उन्होंने कहा जी मेरा बेटा है। तीन अब्बे कटे और इनविजिबल अब्बा था वो जो आप कह रहे हैं कि पीछे बैठे हुए हैंडलर। तो मतलब चार अब्बे मिलके उसको खड़ा नहीं कर सके, चार अब्बे मिलके उसको, फिर अदालत ने भी पांचवा अब्बा अदालत कह लें, उन्होंने भी उसको तीन बार दिया, एक बार वो इंटरिम और एक बार क्या नाम है निगरान और एक बार कई नए कस्टोडियन ने कुछ और नाम था। सो तीन चार नामों से वो एक दिन भी इलेक्टेड नहीं था। पहले वो आप कह लें कि फ्रेटिस होटल में गया, फिर वहाँ क्या नाम है इकबाल ऑडिटोरियम में जाके पूरा उन्होंने बजट पार किया। देन यू कैन से के कभी भी इलेक्ट नहीं हुआ, लोटे बनाए, फिर इलेक्शन लड़ा। सो मैं समझता हूँ कि तीन महीनों में जितनी ज्यादा जिल्लत, ख्वारी और नाकामियां इकट्ठी की हैं हमजा शहबाज ने, ये इनकी अगली नस्लों को समझ लेना चाहिए। बादशाह खत्म हो गई है, बादशाहतों से कोई नफरत नहीं करता था, बादशाहतों इसलिए खत्म हुई कि किसी लायक बादशाह का नालायक बेटा, किसी अच्छे बादशाह का बुरा बेटा या बेटी, उसे सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। आज पूरी दुनिया से बादशाहत खत्म हो गई, मेरे मुल्क में सारे लोग बादशाहत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमजा से अपना क्या नाम है ये फजल रहमान हो या नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, सारे के सारे अपने बच्चों को आगे ले आ रहे हैं, और सारों का दिल करता है कि वजीर खारजा बन जाए, फिर सदर बन जाए। बिल्कुल सही कहा चीमा साहब, बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब, पीटीआई के हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी कह दिया डैडी पीएम बेटा सीएम, अब ऐसे चल नहीं सकता, बादशाहत खत्म हुई, मोनार्की का जमाना नहीं रहा, मजीद ये बादशाहत नहीं चल सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।